हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, क्योंकि आज मार्केट में लगभग 200 पॉइंट की डिप, जैसा कि एक्सपेक्टेड था। हम लोगों ने आपसे पहले भी कहा कि मार्केट में एक डिप एक्सपेक्टेड है। 3 दिसंबर को हमने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें हमने आपको बी कॉशियस रहने के लिए भी बोला था और बताया था कि मार्केट में एक गिरावट आ सकती है। टुमारो, कल यानी कि 11 दिसंबर को 5 राज्यों के इलेक्शंस के नंबर्स आने वाले हैं। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इवेंट, केवल एक इवेंट है। बट स्टॉक मार्केट ने तो हमें 3 तारीख को ही अलर्ट दे दिया था कि करेक्शन आने वाला है। बेसिकली आप समझिएगा कि टेक्निकल एनालिसिस और इवेंट्स में फ़र्क क्या होता है। कहते हैं कि कल इलेक्शंस के नंबर आने वाले हैं इसलिए बाजार गिर रहा है। दैट इज़ अ इवेंट फॉर दोज पीपल, जिन लोगों को टेक्निकल एनालिसिस नहीं आती है, जो लोग केवल मार्केट को बढ़ते हुए और गिरते हुए देख सकते हैं और उसी बेसिस पर निवेश करते हैं। इवेंट्स केवल उन लोगों के लिए होती हैं और उनको पता चलता है कि इलेक्शंस आने वाले हैं, यानी कि अब हमें नंबर्स कैसे आएंगे उसके बेसिस पर बाय करना है या सेल करना है। बट जो टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं, जो टेक्निकली चार्ट्स क्रिएट करना जानते हैं, उनको कुछ दिनों पहले से ही इंडिकेशंस मिल जाते हैं। चार्ट्स आपको इंडिकेशंस दे देते हैं कि कहां पर आप सेलिंग शुरू हो चुकी है और बाइंग का समय आ चुका है, या बाइंग ख़त्म हो चुकी है और सेलिंग का समय आ चुका है। अब हम जो देख रहे हैं समय, ये जो समय अब इलेक्शन पीरियड स्टार्ट हो चुका है, नंबर्स आ रहे हैं कल, इसके बाद नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस के लिए स्ट्रेटजीज तय हो जाएंगी, शीतकालीन सत्र भी शुरू होने वाला है कल से, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जिस तरह से राम मंदिर का मुद्दा उठाया जा रहा है, लेट्स सी कि गवर्नमेंट इस शीतकालीन सत्र में क्या करने वाली है। क्या कुछ जिस तरह से लोगों का कहना है कि कुछ विधेयक लेके आई है राम मंदिर के लिए, तो ये सारी चीज़ें जो है वो पॉलिटिकल है और इसका स्टॉक मार्केट से कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को स्टॉक मार्केट से कनेक्ट ना करें। इलेक्शंस का जो इम्पैक्ट होता है वो शॉर्ट टर्म होता है और वो इवेंट्स हैं, जो कि इवेंट्स का क्या होता है, आती हैं और चली जाती हैं। बट जो ट्रेंड है, मार्केट अपने ट्रेंड पर चलता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द इवेंट्स। ठीक है, मार्केट को इवेंट्स से मतलब नहीं होता है, मार्केट को अपने ट्रेंड से मतलब होता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं द ट्रेंड इज़ द फ्रेंड। ओके, सो यहाँ पर भी मैं आपसे यही कहूँगा कि आप ट्रेंड को फॉलो कीजिए, इवेंट्स को फॉलो मत कीजिए। इवेंट्स तो आएंगी और चली जाएंगी। सो दिस इज़ द टाइम जब हम लोग अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना आप शुरू कर दें, क्योंकि अगले 6 महीने आपको बहुत ही शानदार समय मिलेगा अपने नए पोर्टफोलियो को बनाने का। और इसीलिए हम लोग 5 ऐसे पोर्टफोलियो स्टॉक्स आपके साथ लेके आए हैं, ऐसे शेयर्स जो अगले 5 सालों में आपको करोड़पति बना सकते हैं। फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है, बिजनेस बहुत शानदार है और कंपनी बहुत ही ट्रस्टवर्दी कंपनीज हैं 5ों। और इन कंपनीज में अगर अगले 6 महीने तक आपने निवेश कंटिन्यू रखा ऑन एवरी डिप, हर महीने SIP के माध्यम से या छोटी छोटी क्वांटिटीज को आप हर महीने खरीदते रहे अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, तो आप लाखों करोड़ों में खेल सकते हैं अगले 5 सालों में, क्योंकि ये समय जो है वो इन काउंटर्स के लिए सबसे बेहतर है और इन लेबिस पर ये शेयर्स दोबारा से आपको नहीं मिलेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको ये शेयर्स, यहाँ से जो भी डिप्स मिलेंगी, जो भी करेक्शंस मिलेंगे, उन करेक्शन के बाद आपको एक अच्छे लेबल्स मिलेंगे। और आपको जो भी अच्छे लेबल मिले, जो भी मैं आपको सपोर्ट्स या जो भी मैं आपको लेबल्स बताऊंगा, वो आपको बेस्ट सुटेबल लेबल्स होंगे। बट अगर आप लोग SIP बनाते हैं और एवरी मंथ आप एक सर्टेन क्वांटिटी को खरीदते रहते हैं अगले 6 महीने तक, तो मुझे लगता है कि जब नेक्स्ट इलेक्शंस रहेंगे 2019 के, तो उसके बाद जून या जुलाई जो भी मंथ रहेगा, उसके बाद मार्केट में जो एक ट्रेंड रिवर्सल आएगा। क्योंकि देखिए, अगर गवर्नमेंट किसी की भी फॉर्मेशन आती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मार्केट तो ऊपर जाना ही जाना है अगले सालों में। ठीक है, चाहे वो कांग्रेस महागठबंधन की सरकार बने या BJP की सरकार बने, अगर BJP इलेक्शन लूज करती है देन एक शॉर्ट टर्म टेम्पररी पैनिक सिचुएशन आ सकती है, बट फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम निफ्टी विल नॉट स्टॉप। ठीक है, तो यहाँ पे 5 पोर्टफोलियो शेयर्स हैं जिनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। इनको आप ध्यान से अपने नोटबुक में नोट करके रख लीजिए, SIP बनाइएगा। ये 5ों शेयर्स आपको करोड़पति भी बना सकते हैं अगर आपने सही तरीके से निवेश करना आरंभ कर दिया। तो चलिए बात करते हैं 5ों शेयर्स के बारे में। पोर्टफोलियो स्टॉक्स हैं ये 5ों और इनके जो नाम है वो कुछ इस तरह से हैं, एस्कॉट्स नंबर 1, ऑटो एंड ट्रैक्टर सेक्टर। और देखिए, 5ों ही शेयर्स डाइवर्सिफाइड सेक्टर के हैं, कोई भी शेयर किसी कोई भी 2 शेयर्स किसी एक सेक्टर से रिलेटेड नहीं है। 5 डिफरेंट सेक्टर से रिलेटेड है। एस्कॉट्स ऑटो एंड ट्रैक्टर सेक्टर से है, HDFC बैंक फाइनेंस एंड बैंकिंग सेक्टर से है, मैथन अलॉय फेरो अलॉय सेक्टर से है, मैथनॉल SRF टेक्सटाइल एंड मैनमेड सेक्टर से, एंड TCS IT एंड कंसल्टेंसी सेक्टर से है।
सो एस्कॉर्ट्स की बात करते हैं सबसे पहले और आपको लेवल्स बता देते हैं। आज मार्केट 190 पॉइंट का डिप के साथ यहां पर खड़ा हुआ है। एस्कॉर्ट्स एक बहुत ही बेहतरीन लेवल्स पर, अगर हम लंबी अवधि के लिए बात करते हैं, मंथली चार्ट पे बात करते हैं, सो दोस्तों बहुत शानदार लेवल्स है। मैक्सिमम यहां से बहुत ज्यादा डिप्स एस्कॉर्ट्स में मुझे नहीं नजर आती हैं। मुझे लगता है 600 रुपए का एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन है मंथली चार्ट पे एस्कॉर्ट्स का, और यहां से आप लोग बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। ये काउंटर आपको अगले 5 सालों में यहां से कम 5 टाइम्स का रिटर्न दे सकता है, यानी कि तकरीबन ये स्टॉक अगले 5 सालों में आपको 3000 तक के लेवल दिखाई दे सकते हैं इस काउंटर के अंदर। एस्कॉर्ट्स द 5 ईयर टारगेट विल बी द 3000, ठीक है। आपको जो भी बाइंग करनी है वो 600, 580 जो भी लेबल्स आते हैं, ये 600 के नीचे आपको जो भी मिल रहा है लेबल, वो समझ लीजिए आपको एक एडिट एडवांटेज मिलता है। 600 के नीचे आपको इस काउंटर में जो भी लेबल्स अवेलेबल हैं वो आपके लिए एक एडिट एडवांटेज है। नेक्स्ट 5 ईयर में ये काउंटर आपको 3000 प्लस तक के लेबल दिखाएगा, और इस काउंटर को आप अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखिएगा दोस्तों। इसके अलावा नंबर 2 काउंटर की हम बात करते हैं HDFC बैंक, फाइनेंस एंड बैंकिंग सेक्टर इंडिया का सबसे दिग्गज और सबसे ट्रस्टवर्थी जो प्राइवेट सेक्टर का बैंक है वो है HDFC बैंक। और दोस्तों इस काउंटर में हमने अगर पीछे कुछ समय में देखी तेजी, तो बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिली। 2004 में ये काउंटर केवल 69 का था, और आप देख सकते हैं 69 रुपये से 2200 रुपये के स्टॉक केवल 14 सालों में पहुंच गया। अगर हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म की, तो 2009 में, यानी पिछले 10 सालों की बात करते हैं हम लोग, तो 2009 में, क्योंकि हम लोग मंथली चार्ट पे बात कर रहे हैं, तो पिछले 10 साल की अगर बात करते हैं तो 180 रुपये का लो बनाया था इसने मार्च 2009 में, और वहाँ से लेके इसने अपने हाई को टच किया। इसने अपने हाई को टच किया, और यहाँ से एक मिनट बात करते हैं हम लोग, 2107 रुपये का लेवल अभी फिलहाल ये काउंटर आपको दिखा रहा है। जस्ट अ मोमेंट, मैं आपको इस चार्ट को दिखा देता हूं। चार्ट टाइप लाइन चार्ट, ओके 2000, एंड यहां से हम लोग चार्ट देखते हैं, कैंडलस्टिक चार्ट हम लोग देखेंगे, कैंडलस्टिक चार्ट। और आप देखेंगे इस काउंटर में अगर हम लोग पीछे जाते हैं 2009 में, तो 170 रुपीज का था, और 2018 में यानी कि 10 सालों में इसने लगभग 2200 रुपये का लेवल टच किया, 170 थे 2200 रुपये का, यानी कि आप देख सकते हैं कितना ह्यूज रिटर्न इस काउंटर ने दिया है। यहाँ से भी ये काउंटर बॉटम फॉर्मेशन कर रहा है, एक बहुत ही अच्छा जो इसका सपोर्ट जोन है वो 1800-1850 के आसपास है, बहुत अच्छा लेवल थे। अगर आपको बिलो 1900 ये काउंटर मिलता है देन बेस्ट बाइंग लेवल रहेंगे। एट प्रेजेंट लेवल से भी अगर आप SIP शुरू करते हैं तो अगले 6 महीने तक ये काउंटर आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देगा इसमें लॉन्ग करने का, और मुझे लगता है कि नेक्स्ट 5 ईयर में आप इस काउंटर में लगभग 4000 से 5000 तक का भी लेवल देख सकते हैं। सो दोस्तों ये HDFC बैंक के बारे में, एक शानदार काउंटर बैंकिंग सेक्टर में। फिलहाल बैंकिंग सेक्टर में दबाव है थोड़ा सा, प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, बट आने वाला जो फ्यूचर है वो प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर उसमें बहुत शानदार परफॉर्मेंस देंगे, जिसमें कि HDFC बैंक विल बी द टॉप गेनर। सो HDFC बैंक को आप लॉन्ग करके चलिएगा। मैथनलॉय, ये फेरोलॉय सेक्टर का, मैथनॉल ये एक फेरोलॉय सेक्टर की कंपनी है। इस काउंटर को हमने लास्ट ईयर लगभग 500 से लेके 600 के बीच में सजेस्ट किया था। तकरीबन हम आपको बता देते हैं, लगभग हमने इसको जो लेवल हमने सजेस्ट किया था वो तकरीबन 500 के आसपास सजेस्ट किए थे, और वहाँ से इस काउंटर ने अपना जो हाई टच किया था वो 1000 रुपीज़ का, यानी कि सितंबर से अक्टूबर के बीच में हमने इसको 500 के आसपास इस काउंटर को आपको सजेस्ट किया था, एंड उसके बाद इस स्टॉक ने 100% का रिटर्न दिया जस्ट सितंबर टू फरवरी तक। उसके बाद इस काउंटर में एक कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ जो कि वापस 510 के लेवल पर इस काउंटर को लेके आ गया। यहाँ से मुझे लगता है कि अगर आप इस काउंटर में SIP बनाना शुरू करते हैं, 450 लेवल इसमें आने की संभावना है अगले 6 महीने में, अगर मार्केट में और इस सेक्टर में अगर कंसोलिडेशन रहता है अलॉय सेक्टर में, तो 450 तक के लेवल्स भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट एट प्रेजेंट लेवल भी SIP बनाने के लिए और अगले 5 साल के लिए बेहतरीन है। इस काउंटर को भी आप अगले 5 सालों के लिए निवेश करके रखिए, मुझे लगता है ये काउंटर भी आपको 3 से 4 गुना एट प्रेजेंट लेवल से, यानी कि लगभग 2000 तक, आपको 1800 से 2000 तक के लेवल दिखाई दे सकते हैं इस काउंटर में। बेसिकली मैथन अलॉय जो है अलॉय बनाता है जो कि स्टील की फिनिशिंग वगैरह के लिए यूज़ होता है, स्टील इंडस्ट्री के लिए यूज़ होता है, और स्टील इंडस्ट्री चूंकि अभी वीक है स्टील मेटल सेक्टर, तो मुझे लगता है जब मेटल सेक्टर में एक बूस्टअप आएगा तो ये सेक्टर भी अपने आप ऑटोमेटिकली बूम करेगा। तो मैथनॉल इज ऑल्सो वेरी गुड काउंटर, आप इसको भी अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखिएगा।
इसके अलावा नेक्स्ट काउंटर SRF टेक्सटाइल और मैनमेड सेगमेंट की कंपनी है, बहुत शानदार परफॉर्मेंस रही है इसकी पिछले कुछ समय में। 31 मार्च 2014 को मात्र 211 रुपए का ये काउंटर था और चार सालों में ही इस काउंटर ने 211 से 2400 रुपए तक का हाई टच करके दिया। सो आप देख सकते हैं जो परफॉर्मेंस रही है पिछले चार से पाँच सालों में इस काउंटर की, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है, एक अच्छा कंसोलिडेशन दिखाता हुआ अभी ये काउंटर। मुझे लगता है कि अगर आप इस काउंटर में पोजीशन को अपनी बना के रखेंगे तो आने वाले पाँच सालों में भी अगर सेम पेस से ये स्टॉक चलता रहा तो मैं बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाऊँ, तो मुझे लगता है कि यहाँ से आपको ये काउंटर कम से कम दुगने की लेवल जरूर दिखाएगा, यानी कि 4000 तक के लेवल आपको SRF के अंदर अगले 4 to 5 ईयर्स में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। सो SRF इज़ ऑल्सो वेरी गुड काउंटर, यहाँ से आपको डाउनसाइड सपोर्ट लेवल जो है वो लगभग 1950 रुपीज़ का है, यानी कि अगर 1900 तक अगर यह काउंटर आपको मिलता है तो आप इसको लगातार बाय कीजिएगा, होल्ड कीजिए अगले 5 सालों के लिए और आपका पैसा मल्टीफोल्ड में बढ़ेगा दोस्तों। TCS लार्जेस्ट IT कंपनी इन द इंडिया एट प्रेजेंट, इन्फोसिस को पीछे छोड़ दिया कंपनी ने और शानदार परफॉर्मेंस भी है कंपनी की IT सेक्टर में। फिलहाल सैचुरेशन फेज में है IT स्टॉक्स, बट ये सैचुरेशन जल्दी ही ओवर हो जाएगा और एक नया बुलिश मूड हमें IT स्टॉक्स के अंदर दोबारा देखने को मिलेगा। अगर हम लोग बात करते हैं TCS की, तो TCS का जो डाउनसाइड लेवल रहेगा लगभग 1750 रहेगा, 1750 तक अगर ये काउंटर आता है तो डेफिनेटली आप लोग बड़ी क्वांटिटीज में बाय कीजिएगा, दैट विल बी द वेरी गुड और बेस्ट लेवल फॉर द TCS। मुझे लगता है कि TCS में आप लोग लंबी अवधि के लिए निवेश करके चलिए, ये काउंटर आपको 5 to 6000 के लेवल भी दिखा सकता है अगले 5 सालों में। दिस इज द बिगेस्ट IT कंपनी इन इंडिया और मोस्ट प्रॉफिटेबल कंट्री कंपनी इन द इंडिया इन द IT सेगमेंट। सो TCS इज द वंडरफुल काउंटर। तो ये 5 शेयर्स ऐसे हैं, एस्कॉट्स, HDFC बैंक, मैथनॉल, SRF एंड द TCS, ये पांचों ही काउंटर डिफरेंट सेगमेंट से हैं और मैंने चूंकि जैसा कि आपको बोला कि अब यहाँ से हम लोग पोर्टफोलियो स्टॉक्स की बात करेंगे, तो ये 5 स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो के लिए हैं, सही समय है निवेश करना आराम कर दीजिएगा, एक ही बार में सारा पैसा इन स्टॉक्स में मत लगाइएगा, हर महीने के बेसिस पे SIP बनाइएगा जो भी आपका बजट है उसके अकॉर्डिंग और इन पाँचों स्टॉक्स को अगले 6 से 8 महीने तक कंटिन्यू ऐड करते रहिए, उसके बाद आप अगले 5 सालों में इनमें मल्टीफोल्ड रिटर्न्स को एंजॉय करेंगे और हो सकता है कि अगर आपने निवेश एक अच्छे लेवल्स पे किया तो आप करोड़पति भी बहुत आसानी से बन जाएंगे। सो दोस्तों ये 5 पोर्टफोलियो स्टॉक्स हैं, ऐसे 5 शेयर्स जो आपको अगले 5 साल में करोड़पति बना देंगे। सो दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग फिर कुछ नए पोर्टफोलियो स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। अगला वीडियो देखने के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आपको अपने पोर्टफोलियो के लिए बेस्ट शेयर्स मिल जाएं और आप फिर उनमें निवेश करके अगले 5 सालों में एंजॉय कर पाएं प्रॉफिट को और अपने वेल्थ को बढ़ते हुए देख पाएं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।